देखिए दोस्तों, 20,000 रुपये का बल्ट बहुत ही कम बल्ट होता है आपके पीसी बिल्ड को बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको अकेला पीसी ही बनाना है तो आप एक अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हो। आजकल के गेम्स दोस्तों इजीली एक एपीयू के साथ चलाए जा सकते हैं। तो आज हम एक पीसी बिल्ड करेंगे 20,000 के बल्ट पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी हम फेस कैम वीडियो नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी के कारण दोस्तों पूरा लथपथ हो जाता है बंदा। पंखा बंद करके दोस्तों आपको वीडियो बनानी पड़ती है, और ऊपर से मैं पंजाबी से हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको खुद से समझना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा मन को संतुष्टि दे लेना, गेम प्ले को एंजॉय करना। ये मेरा गेम प्ले नहीं है, नो कॉपीराइट गेम प्ले चैनल आपको फ्री कॉपीराइट गेम प्ले आपको प्रोवाइड कराता है, वहां से आप भी इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी बताना चाहूंगा कि आपको आजकल की गेम्स को खेलना है सिर्फ तो आप एक एपीयू बाय कर सकते हो। अगर आपको कोई यूज्ड कंपोनेंट नहीं बाय करना है, आपको कोई भी झंझट में नहीं पड़ना है कि उस बंदे ने आपको ग्राफिक कार्ड सही दिया, आपका सीपीयू सही दिया या नहीं दिया, आपको इतना झंझट बस आपको नहीं करना है कि आपको यूज्ड कंपोनेंट बाय करो, तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे सीपीयू के बारे में। यहां पर हम एपीयू यूज करेंगे। एपीयू है दोस्तों एएमडी की तरफ से आने वाला राइजन 3 3200G, जो एक बहुत ही अच्छा एपीयू है। पहले की अगर दोस्तों बात की है तो यहां पर आप एक ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते थे राइजन 3 1200 के साथ, और आप 1050 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड इजीली पेयर करके अपना एक अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते थे। लेकिन अभी प्राइसेस बहुत हाई जा चुके हैं तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये काम चलाऊ दोस्तों प्रोसेसर नहीं है, ये काम चलाऊ से कुछ ज्यादा ही ऊपर है। यहां पर आपको अच्छी स्पीड्स देखने को मिल जाती हैं, 4 कोर 4 थ्रेड हैं, आपकी मल्टीटास्किंग बिल्कुल प्योरली बिल्कुल स्मूथ होने वाली है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों आपको मदरबोर्ड बाय करना होगा। आप बाय कर सकते हो A320 MSI की तरफ से आने वाला प्रो मैक्स, जिसमें आपको फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के लिए आपको M.2 का स्लॉट मिल जाता है, जिसको आप अपने पीसी में लगाकर अपने पीसी की स्पीड को और भी इंक्रीज कर सकते हो। ये दोनों चीजें दोस्तों आप मान के चलिए कि 4400 रुपीज का आपको अपना मदरबोर्ड मिल जाएगा और 8500 रुपीज का आपको अपना सीपीयू मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको 8GB रैम बाय कर लेनी है क्रूशल की तरफ से आने वाली। 8GB की 2400 MHz पर चलने वाली रैम आपको 3100 की मिल जाएगी। पहले तो इसका प्राइस बहुत हाई हो गया था, बहुत ज्यादा दोस्तों सभी चीजों के प्राइस हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो जो मैं वीडियो बनाता हूं वो लेटेस्ट प्राइस के ऊपर बनाता हूं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसी समय देख रहे हो जब तक वो प्राइस था, तो प्राइस चेंज हो सकता है किसी भी वक्त लॉकडाउन के कारण। इस समय दोस्तों वो आपको 3100 रुपए की 8GB की रैम 2400 MHz वाली आपको मिल रही है, आप उसको जाकर बाय कर सकते हो। उसके बाद तो हम बात करें यहाँ पर पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई आप कोई भी नॉर्मल सर्कल की तरफ से आने वाली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि आप एक एपीयू यूज कर रहे हो, आपको इजीली आपकी परफॉर्मेंस आपको अचीव करा देगी। कोई भी इतना ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि आप एक एपीयू यूज करोगे 65W की उसकी TDP है, तो आपको इजीली अपने पीसी के लिए इसको बाय कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस पीसी में आपको SSD बाय करनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर आप इजीली एक SSD बाय कर सकते हो। आपको क्रूशियल की तरफ से आने वाली जो SSD है वो थोड़ी सी महंगी हो गई है, 3500 रुपीज़ की मिल रही है, लेकिन जो किंगस्टन की है वो आपको 3000 रुपये की ईजिली देखने को मिल जाएगी। आप उसको बाय कर सकते हो, आपका पीसी फुल स्नैपी हो जाएगा। मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि SSD और HDD में कितना ज़्यादा फर्क हो चुका है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कैबिनेट के बारे में। यहाँ पर आप कैबिनेट कौन सा यूज़ करोगे। कैबिनेट यहाँ पर मैं आपको इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपका कोई ज़्यादा हाई बजट नहीं है, आपको टेम्पर्ड ग्लास चाहिए, तो आप एंड स्पोर्ट्स का जो टेम्पर्ड ग्लास वाला आता है वो कैबिनेट आप बाय कर सकते हो। मेरे को नाम नहीं याद रहता, मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा देता हूँ उसकी, तो आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको बे मिल जाती है, टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, लेकिन आपको RGB नहीं मिलती है। अगर आपको चाहिए RGB तो आप एनटेक की तरफ जा सकते हो, वहाँ पर आपको NX200 आपको कैबिनेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्रेलिक पैनल मिलता है, एक बे भी मिल जाती है, और आपको RGB भी देखने को मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी टेक्नोलॉजी अनबॉक्सिंग और PC बिल्ड्स की वीडियो लेकर आते ही रहते हैं।